कि आप ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने ना मेरे को बोला कि मैं आपको एडमिट कर रही हूँ। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? तो बहुत दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इनके साथ। आज हमारा ब्लॉग रहेगा हमारे बेबी से लेके बेबी के नेम तक। मतलब लोग पूछ रहे हैं कि आपका तो टाइम था अभी, फिर एकदम से कैसे हो गया और क्या नाम रखा है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आपने अजान इतनी लेट क्यों दिलवाई है। तो वही सब हम आपको बताने के लिए आज बैठे हैं कि हम आपको पूरी स्टोरी बता देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। स्टोरी बताएंगे हम हॉस्पिटल तक जाने की और वापस आने की। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज है मंडे, आज बाबू को पूरा एक हफ्ता हो गया, आज ये 8 दिन का हो गया है। पिछले हफ्ते सोमवार के दिन भी हम हॉस्पिटल गए थे। क्या हुआ था कि 2 दिन पहले से ही ना मेरे को इसकी ना कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, मतलब ये ना एकदम शांत था। तो बहुत ज़्यादा इतना मैंने एक दिन पहले गौर नहीं करा, फिर दूसरे दिन भी, लेकिन जब 2 दिन हो गए रात में मेरे को ज़्यादा वो हुआ कि कोई भी मूवमेंट ना ही मिल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर पूरी रात हो गई ऐसे ही। फिर आज का दिन था मंडे का, मैंने इन्हें सुबह सुबह फ़ोन किया था, इनको बताया, बारिश हो रही थी बहुत तेज़ उस टाइम पे पिछले हफ्ते। सो सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो मैंने इनको बोला, इनको फ़ोन किया, मैंने इनको सब बताया कि ऐसे से बात है। तो और फिर मैंने इनकी सिस्टर जो है गुलशा जी उनको भी कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं, उन्होंने बोला नहीं काम करते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल जहाँ मैं चेकअप वगैरह कराती वहीं चलते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं ले गया, मैंने बोला चलो चलते हैं, चेकअप वगैरह मूवमेंट नहीं करा, अल्ट्रासाउंड वगैरह, फिर डॉक्टर ने लिख दिया कि जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ। फिर हमने नहीं, हम लोग गए हॉस्पिटल। हाँ। तो जाने के बाद पहले तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना, पहले उन्होंने मेरे को बोला था कि कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है, हो जाता है। हाँ, फिर उन्होंने, फिर पता नहीं उनको उनको क्या लगा होगा, उन्होंने मेरे को मेरा चेकअप वगैरह किया, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, फिर हम वहाँ से गए अल्ट्रासाउंड कराने। वो बहुत परेशानी हुई, अल्ट्रासाउंड में भी 28 तारीख की डेट थी, 2 तारीख की, जुलाई की 28, जुलाई की 28 तारीख, हाँ 28 जुलाई की 28 डेट मिली थी और हॉस्पिटल से मुझे 2 जुलाई की डेट मिली थी, मैंने अपने ब्लॉग में बताया था। तो अब अल्ट्रासाउंड करा लिया, अब करा के जब दोबारा हॉस्पिटल गए डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन एक काम करो कि एक आध घंटा यहीं रहो, देखो कुछ मूवमेंट होती है क्या। तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए, हमने कुछ खाया पिया, छोले कुलचे हाँ। खाए थे हमने, शुमारा के टाइम में पाव भाजी खाया था, बट पाव भाजी इसके टाइम में भी खाया बट एक दिन पहले खाया। क्या हुआ था कि शुमारा के टाइम पे ना मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही थी पाव भाजी खाने, और पाव भाजी खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो सबसे लास्ट जिस दिन मेरे दर्द हुए थे शुमारा होने वाले थे, उसी दिन मैंने पाव भाजी खाई थी, और इसके आने से, छोले इसके आने से एक दिन पहले पाव भाजी खा के आई थी। और जिस दिन ले जा रहे थे उस दिन तो छोले कुलचे खाए थे मैंने, मेरे को पता नहीं था उस टाइम तक कि मेरा ऑपरेशन ही हो जाएगा। हम नॉर्मल गए हैं हॉस्पिटल, हमारे को पता नहीं था कि बिल्कुल भी हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं था कि हम खाली नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे, हमें नहीं पता था कि मेरा उसी दिन बाबू भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और लाइफ में फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने ब्लड दिया है, वो भी चढ़ाया ही नहीं, वो भी उन्होंने चढ़ाया ही, इन्होंने मुझे खून दान किया पर वो मुझे मिला नहीं। तो क्या हुआ था, उन्होंने उन्होंने ये बोला था कि ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जाओ जाके ब्लड, अरे एक वो तो बहुत आगे चले गए। तो क्या हुआ था, फिर हम छोले तो मतलब थोड़ा टहल के खा पी के हम वापस चले गए। तो डॉक्टर ने फिर पूछा मुझसे, तो मैंने बोला कि नहीं कोई भी मूवमेंट मुझे नहीं हुआ है और 3 दिन हो चुके थे मुझे। तो डॉक्टर ने ना मेरे को बोला कि मैं आपको एडमिट कर रही हूँ। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला मैं एडमिट कर रही हूँ, दिल के दर्द ना बहुत तेज हो गए, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो इनको ये था कि हो जाए जल्दी, मेरा टाइम भी ज़्यादा हो गया था, डॉक्टर मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम था, उनके हिसाब से नहीं हुआ था इतना। तो मेरे को एडमिट कर लिया वहाँ पर, उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर जो बड़े डॉक्टर होते हैं उन्होंने देखा, चेक किया, सब कुछ किया, फिर वो एकदम से उन्होंने मुझे बोला कि आपका ना शाम रात को ऑपरेशन है। मेरी हालत खराब हो गई, फैमिली घर से सब लोग आ गए, क्योंकि जिस दिन ऑपरेशन था उससे अगले दिन पापा के इनके 40वां था। हाँ, मेरे पापा का 40वां, मुझे क्या था कि या तो पापा के 40वें से पहले मैं निमट जाऊँ कुछ दिन पहले, ताकि मैं उसको अच्छे से मना पाऊँ। हाँ। मतलब मैं कर सकूँ उनके लिए कुछ, क्योंकि घर में इनके भाई दो छोटे हैं, बाकी बड़े ही है, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे ये था कि मैं ही करूँगी।
और ऐसा हुआ कि मतलब लास्ट टाइम पे एक दिन पहले ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। तो मेरे को फिर ऑपरेशन के लिए रात को 10:30 बजे का टाइम दे दिया, 10:30 बजे मेरा ऑपरेशन होगा, इतनी घबराहट हो रही थी। तो फिर हम लोग लास्ट टाइम पे ये मेरे साथ गए थे बाहर ऑपरेशन थिएटर के साथ, बाहर तक ये मेरे साथ गए थे। और भाई अब उन्होंने मुझे बोला कि जाओ ब्लड ब्लड डोनेट करके हाँ, लेके इनको आओ ब्लड वाली, और ब्लड दे के आओ, क्योंकि जब भी ऑपरेशन स्टार्ट जब तक करेंगे। ब्लड नहीं देंगे तब तो तक मैं ऑपरेशन नहीं 5 घंटे तक डॉक्टरों का इंतजार होगा। करता रहा, अब आए अब आए। अब उन्होंने फाइनली वो 5 घंटे बाद वो आ गए। अब मेरे को लगा कि चल यार पेशेंट बेचारा परेशान हो रहा है, तो उसको ब्लड देना बहुत जरूरी हाँ। है मतलब ना। वहां पर ना वेटिंग लाइन लगी हुई थी, क्या कह दिया था लोगों से, मतलब औरों से भी कहा ही होगा जाहिर सी बात है, कि जब तक ये खून नहीं देंगे मेरा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने 5 घंटे वेट किया वहां बैठ कर। और फिर मैंने ब्लड दिया, ब्लड देने के बाद मैंने चलो लाओ ब्लड दो, उन्होंने बोला जब जरूरत होगी जब, जरूरत भी नहीं हुई ब्लड की और ब्लड भी मतलब ले वो लिया। खाली उन लोगों का तरीका था एक लेने का कि हाँ इसे, लेकिन क्या पता वो किसी और के काम आ जाए, कोई किसी बात और नहीं के अच्छी काम के आ बात जाए, है। मैंने हॉस्पिटल का देखा है, बट हो गया अल्लाह का शुक्र है। बट हॉस्पिटल में देखा, अगर आपको नीड होगी ना बहुत ज्यादा, आप पैसे लेके जाओगे तब भी आपको ब्लड नहीं देंगे, वो लोग हाँ, ऐसा लेकिन करते बस हैं। यही है कि मिल जाए किसी को भी अगर जरूरत है तो, मुझे तो तो ये मिलनी है पड़ी है। मेरे पास ओ नेगेटिव करके एक कार्ड है, और इन फ्यूचर मैंने उसको अपने लिए रख रखा है, और जो जिनको जरूरत होगा उनके लिए रख रखा है। वो कार्ड अगर हम हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो हमें ब्लड मिल सकता है, वो ले लेते हैं, बट हमने उन्हें दिया नहीं कि हमें इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ गया बच्चों के लिए या किसी के लिए भी या आप लोगों के लिए, तो हम उन्हें डोनेट कर देंगे अपना ब्लड। तो फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हो गया। तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि मेरी क्या हुआ है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। अल्लाह का करम है कि मेरे पास एक बेटी है, अब अल्लाह ने एक बेटा दे दिया, तो मेरी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं, लेकिन एक परिवार पूरा होने के लिए इंसान ख्वाहिश करता है। तो वही हम लोगों की दुआ थी कि अल्लाह पाक बस ऐसा हो जाए कि एक बेटी तो दी है और अल्लाह पाक अब बस हमारी फैमिली पूरी कर दे। तो वही अल्लाह ने सुना, फिर मेरे को नहीं पता था, डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया। जब मुझे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला जो आपकी फैमिली को बच्चा दे दिया गया है, और जब वो वहाँ आप शिफ्ट हो गए तो आपको बता दिया जाएगा। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, मेरी बड़ी वाली बहन थी और सबसे मतलब मेरे से छोटी वाली बहन थी, तो हम तीनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे। अब ये अंदर जाती और 10 मिनट बाद साउंड आ गया हुआ हुआ करके, मैंने बोला अरे वाह यार हो गया, लग रहा हो गया हो गया। फिर वो आधे घंटे बाद बाहर आए, और बाहर आने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में नहीं दिया, उन्होंने बोला देखो, मैंने देखा कह रहे लड़का हुआ है। अरे मैंने बोला मुबारक हो, छोटी वाली बहन सीधा बाहर भागी मम्मी के पास। फिर मतलब मैं क्या है कि हमारे घर में इनके बाद एक वही है, मतलब अब ये आया दूसरा, इनके 4 बहनें हैं, उसके बाद मेरी एक शुमारा हो गई। तो हमारे घर में 5 लड़की हैं, तो 5 लड़की के बाद एक ही लड़के थे। तो उसके बाद बाबू आया, तो घर में सब बहुत ज़्यादा ही खुश थे, सभी लोग खुश थे और सब रो रहे थे खुशी के मारे। तो मुझे अम्मी ने बताया कि लड़का हुआ है, और मैं बहुत खुश थी, मतलब जो भी दर्द था तकलीफ थी वो सब उस टाइम पर चली गई थी, कि बस कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो दिया ना बहुत अच्छा दिया है और बहुत बहुत शुक्र है। तो ऐसा मेरा इस तरीके से मेरा ऑपरेशन हुआ, और इसीलिए इसी तरीके से बाबू इतना जल्दी हो गया, खैर अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है एकदम। तो बाबू बहुत अच्छा, मतलब हेल्दी है, सब कुछ है। तो इस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, इस तरीके से बाबू जल्दी हुआ है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि आपने अजान इतनी लेट की दी है, तो क्या था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, हम ऑपरेशन थिएटर में, हमारे घर में क्या है कि जब तक बच्चा अच्छे से नहा धो नहीं लेता उसकी छठी वाले दिन, तब तक उसको मतलब वो साफ सुथरा नहीं होता, तब तक उसको नापाक बोले जाते हैं ना, हाँ। कि हाँ वो भी नापाक ही और में। दूसरी बात ये कि जो जो अजान देते हैं मेरे मामा है वो, तो उस टाइम पे ऑपरेशन 4 दिन मेरे को रखा गया है, और हॉस्पिटल में जाने भी नहीं दे रहे थे, बिल्कुल जाने नहीं दे रहे थे, मिलने नहीं दे रहे थे। तो कुछ ये भी वजह थी कि जिस वजह से इसके कान में इतनी जल्दी अजान नहीं दी। हाँ लेट हो गया, 6 दिन लेट होते हैं मेरे को पता है, बच्चे के कान में पैदा होते हैं अजान, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई था नहीं उस टाइम पे, इस वजह से बाबू के अजान, बाबू के कान में अजान हमने 6 दिन so, बाद, खैर, 5 दिन बाद मेरी छुट्टी हुई है हॉस्पिटल से। फाइनली अजान हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अजान सब हो गई कुछ है, बहुत अच्छा हुआ है। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है इसका नाम, कि हमने नाम नेम सेरेमनी के सेलिब्रेशन तो कर लिया, पर आपको उसका नाम ही नहीं बताया, हमें मत बताना। नहीं आप बता दो नाम। पूरा नाम है मोहम्मद जैद अली, मतलब
माशाल्लाह लोगों ने सजेस्ट कराया नाम और हमने उनके सजेस्ट से ही नाम रखा है मोहम्मद जैद अली। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये नाम है। नाम के मायने कैसे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बात है छोटी सी है मेरी। सो मैं लोगों को देखता हूँ कमेंट करते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग करते हैं और काफ़ी गलत गलत भी कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ यार ना करें, हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। आप लोग सपोर्ट भी बहुत अच्छा करते हो और आप लोग डीमोटिवेट भी बहुत अच्छा करते हो, तो मैं डीमोटिवेट वालों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 ये वीडियो पूरी फैमिली देखती है, हमारी भी और आपकी भी फैमिली देखती है, तो उसमें कमेंट देखते हैं तो लोग अच्छे नहीं करते। तुम बोलो। तो खैर कोई बात नहीं, लोगों का काम है कमेंट करना। मैंने अभी ये सब चीज़ें सोचनी बंद कर दी क्योंकि अभी जो मेरा टाइम है बहुत स्पेशल है मेरे बच्चे के लिए, तो मैं सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना चाहती हूँ। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप लोग सब मेरे पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी कि आपका टाइम तो जुलाई का था, इतनी जल्दी भी कैसे हो गया और आपने नाम क्या रखा, आपने अजान इतनी लेट की थी, तो वही सब हमें आपको बताना था, इसलिए हमने ये ब्लॉग बनाया। और बाकी थैंक यू सो मच आके आपने बाबू के ब्लॉग जो दो ब्लॉग डाले उसको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने बाबू वाला ब्लॉग नहीं देखा वो जाके देख ले। सो जिन्होंने अभी तक बाबू वाला ब्लॉग नहीं देखा वो जाके देख ले। बाबू के जब नाम रखा था तब का भी है और कौन सा है उसका वेलकम का भी है। सो इतना ही है कि अब हम इंशाल्लाह कंटिन्यू ब्लॉग बनाएंगे। बस बाबू सवा महीने का हो जाएगा, उसके बाद हमें अब यहाँ से शिफ्ट भी करना है। जैसे हमने बताया था कि हम यहाँ आए सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि ये था, अभी हो चुका है, अब हमें यहाँ से शिफ्ट भी करना है। फाइनली अब हम जहाँ हम पहले थे वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे भी ब्लॉग देखने को मिलने वाले हैं अब, तो प्लीज हमारे साथ बने रहना और जल्दी जल्दी 10K सब्सक्राइबर करा दो जो होने ही वाले हैं बस। तो थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़। सो दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।